వీడు మళ్ళీ వచ్చాడా? చిచ్చా కలలు చెప్ప చిచ్చా. इंडियन सिनेमा के पक्के वाले फैंस के लिए संजय दत्त से अल्टीमेटम खलनायक कोई हो ही नहीं सकता। यश के केजीएफ वर्ल्ड में संजय की एंट्री कितनी भौकाली थी ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। फिल्म से संजय दत्त का लुक सामने आते ही जनता थिएटर्स में उन्हें यश से भिड़ते देखने के लिए तैयार थे। थिएटर्स में बड़ी स्क्रीन पर अपने फेवरेट संजू बाबा की एंट्री से लेकर यश के साथ उनके फाइट सीन तक जनता ने तालियों और सीटियों की बरसात जारी रखी। अब संजय दत्त साउथ की कई बड़ी फिल्मों में विलेन का रोल कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इस समय लियो की है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने कैथी और विक्रम से एक्शन ड्रामा से भरा धमाकेदार सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार किया है और लियो इस यूनिवर्स की नई फिल्म है। फिल्म में हीरो थलपति विजय हैं। दरअसल टीजर में ही विजय का किरदार तलवार की धार पर चॉकलेट चढ़ाए अपने दुश्मनों को ब्लडी स्वीट मौत देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। वही लियो में विजय की टक्कर संजय दत्त से है, ये सोचकर सिनेमा फैंस के एक्साइटमेंट के घोड़े दौड़ने लग गए। दरअसल संजय दत्त के बर्थडे पर लियो के मेकर्स ने फिल्म की ये झलक दिखाकर फैंस को एक नया गिफ्ट दे दिया है। ये वीडियो देखने के बाद जनता को अपने खलनायक का स्क्रीन पर आग लगा देने वाला अवतार इतना पसंद आ रहा है कि लोग इस सीन को रिपीट मोड में देख रहे हैं। आपको बता दें कि लियो में संजय दत्त एक गैंगस्टर के रोल में है। रिपोर्ट्स और फिल्म का टीजर इशारा करते हैं कि वो एक ड्रग लॉर्ड है, यानी उनका ड्रग्स का कारोबार है। मेकर्स ने ये भी रिवील किया है कि फिल्म में संजय दत्त के किरदार का नाम एंटनी दास है। लियो के पहले गाने ना रेडी का वीडियो ध्यान से देखने पर फुल एनर्जी में डांस करते विजय के पीछे आपको दीवार पर एक नाम दिखता है, एंटनी दास एंड कंपनी, यानी जिस जगह पर विजय डांस कर रहे हैं वो संजय के एंटनी दास का एरिया है। यानी या तो विजय का किरदार एंटनी के लिए काम करता है या दोनों भाई भी हो सकते हैं। खैर असल में क्या है पूरी कहानी वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे आपको कैसा लगा संजय दत्त का ये नया लुक हमें कमेंट करके जरूर बताएं।